दोस्तों, मेरी एक इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी और राहुल जी को एक साथ बिठाकर दोनों का इंटरव्यू लूं, मगर इस इच्छा को पूरा होने में काफी वक्त लग जाएगा। दोनों विभूति इस समय चुनाव में व्यस्त है और मुझे इंटरव्यू देने के लिए इन लोगों के पास वक्त नहीं है। परंतु हमारे पड़ोसी देश के वजीर आजम इमरान खान ने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए स्वीकृति दे दी है। वह इस वक्त IMF से कर्ज मिलने के बाद सुकून में है। वैसे कर्ज के लिए की गई भागदौड़ उनके चेहरे से अभी तक नहीं उतरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं इमरान खान से और करते हैं पाकिस्तानी मसलों पर उनसे बातचीत। इमरान जी, जरा ये बताइए कि पाकिस्तान के ऊपर मेरी जो रिपोर्ट होती है वह आपको पीड़ा तो नहीं पहुंचाती? हम सबको पता है कि आप पाकिस्तानी के लिए कितनी जान देने के लिए तैयार हैं, और आप ये कभी ना समझे कि आप अकेले हैं। क्या आज तक हमने पाकिस्तान की जिन समस्याओं को उठाया है उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये बंदूकों से और गोलियों से आप आवाज बंद नहीं कर। वैसे आप इतने लोगों को साथ लेकर आए, ये सब कौन है? ये माफिया है। क्या ये सभी भी मुझे जानते हैं? जिस तरह आपने कहा, आपको भी कोई शक नहीं, क्योंकि मैं भी इनको 40 साल से जानता। पर मुझे तो ये सभी पाकिस्तानी नेता लग रहे हैं इमरान साहब। ये माफिया है, और ये बराबर में फवाद खान बैठे हुए हैं, ये कौन है? क्योंकि इनका माइंड ऐसे चलता है, ये माफिया है। अब एक बड़ा सवाल, आसिया बीवी को एक लंबा वक्त पाकिस्तानी जेल में गुजारना पड़ा, क्या उनके निर्दोष होने के पाकिस्तानी सरकार के पास कोई सबूत नहीं थे क्या? क्योंकि एविडेंस तो टीवी पे थी, ये कुछ रात अंधेरे में तो नहीं हुआ कुछ। आप दिल्ली में कभी मुझसे मिलने आएंगे इमरान साहब? शादरा शादरा, सादरा नहीं सर, दिल्ली। 17 साल पहले, 17 साल पहले मैं शादरा आया। अच्छी बात है, पर मैं तो दिल्ली में रहता हूं। बस बस बस, सुन सुन लिया मैंने? आप तो गुस्से में आ गए जनाब। आप सुन लियो, खुदा का वास्ता है, बस 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 बस। ये कब की बात है? वैसे कैसे आए थे आप? मैं अपनी मोटर में आया, कोई उन दिनों में तो ये रिंग रोड नहीं था, तो कोई घंटे में यहाँ पहुंचा, जून का महीना। IMF की शर्तों के बाद पाकिस्तानी बहुत मायूस है जनाब। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा 5 सालों में लिया गया है।